In the previous lectures, we have studied about the role of microbes as a biocontrol. But in this lecture, we study the role of microbes as a biofertilizer. First of all, what are the biofertilizers? Biofertilizers are the organisms. Bio means living. Fertilizers mean that increase the fertility of soil. Bio ka matlab kya hai? Living. It means biofertilizers are the organisms that enrich the quality of soil, that enrich nutrient quality of soil. And how they enhance the availability of nutrients. कौन कौन से? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू द सोइल. क्योंकि थ्री प्रिंसिपल क्रिटिकल एलिमेंट्स होती हैं दैट इज द एनपीके, जो प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और इनकी सप्लाई जो करते हैं वो कौन करते हैं? बायोफर्टिलाइजर्स. बायोफर्टिलाइजर्स की वजह से स्विच ऑन हो गई नई टर्म दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग. एंड व्हाट इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग? आजकल आप मार्केट में देखते हो ऑर्गेनो फूड लिखा होता है. ये ऑर्गेनो फूड क्या है? दैट फूड विच आर प्रोड्यूस विदाउट द यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स. जैसे आज के टाइम में कैंसर जैसी डिजीज हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? आपकी बायोफर्टिलाइजर्स की वजह से नहीं, बट ये क्या है? फर्टिलाइजर्स की वजह से. क्योंकि फर्टिलाइजर्स एज यू नो दे कॉज द इफेक्ट ऑफ क्या? यूट्रोफिकेशन. और जिसकी वजह से क्या है आपका? एल्गल ब्लूम भी हो जाता है. और ये जीन्स में भी क्या ला देते हैं? चेंज ला देते हैं. और ये इफेक्ट करते हैं होस्ट प्लांट को भी और साथ में किसको? ह्यूमन को भी. सो नाउ वी स्टार्टेड द यूज ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स एंड स्विच ऑन द ऑर्गेनिक फार्मिंग. इट इज़ द टेक्निक टेक्निक ऑफ रेजिंग द क्रॉप्स थ्रू द यूज ऑफ मैन्योर बायोफर्टिलाइजर्स बायोपेस्टिसाइड्स एंड अदर कल्चरल मेथड्स, जिसमें हमारा क्या आ जाता है? क्रॉप रोटेशन आ गई, इंटरक्रॉपिंग्स आ गई. ठीक है. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द टेक्निक ऑफ रेजिंग द क्रॉप्स थ्रू द यूज ऑफ द मैन्योर बायोफर्टिलाइजर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स दैट प्रोवाइड ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट crop plants and keeping pest and pathogens under control. यानी कि ये pest और pathogens को भी क्या करता है? Under control रखता है. ठीक है. ये प्रोवाइड करते हैं क्या? ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप प्लांट्स. और कीपिंग करते हैं किसको? पेस्ट को एंड पैथोजेंस को अंडर कंट्रोल.
नाउ द सोर्सेस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. फर्स्ट सोर्सेस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. फर्स्ट सोर्स इज द बैक्टीरिया. सेकेंड इज द साइनोबैक्टीरिया. थर्ड माइकोराइजा. वी विल स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट द बैक्टीरिया. Bacteria are two types. One is the free living. Second is the symbiotic. Symbiotic को plus plus association भी बोलते हैं. Bacteria one is the symbiotic. Second is the free living. Free living bacteria includes वन इज द एजिटोबैक्टर. एंड सेकेंड इज एजो स्पीरियम. दीज आर द फ्री लिविंग बैक्टीरिया. दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी एंड इम्पोर्टेंट आइदर दे आर बिलोंग टू नीट क्वेश्चन में भी कि फ्री लिविंग कौन है और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से है. एजिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है और कौन सा है एजोस्पीरियम. इसके अलावा अदर बैक्टीरियाज भी एडिशनल बता रही हूँ. बेसिलस पोलीमिक्सा ये भी एक क्या है बैक्टीरिया. फिर एक आता है क्लोस्ट्रीडियम. और एक आता है बैचरिकिया कि आपका क्या है. एक तो क्लोस्ट्रीडियम बताया, एक एजोस्पीरियम बताया और एक आपको बेसिलस पोलीमिक्सा बताया और एक आपको कौन सा बताया बैचरिकिया. दीज आर द फ्री लिविंग बैक्टीरिया एजिटोबैक्टर एंड बैचरिका. दीज बैक्टीरिया सा एरोबिक बैक्टीरिया. कैसे हैं एरोबिक. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट आल्सो. दीज आर द एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि रिक्वायर्स ऑक्सीजन. ठीक है. और ये बैक्टीरिया को आपको कैसे याद रखना है एरोबिक. एयर में यानी ए और बी आ गया यानी एयर में अजूबा. मिनोमिक साइज के लिए मनीमोनिक इसकी एयर में अजूबा. ठीक है. एयर फॉर एरोबिक. एजो से बन गया एजिटोबैक्टर और इसे क्या बन गया बैचरिकिया. एजोस्पीरियम बेसिलस एंड पोलीमिक्सा जो हमारा बेसिक. एक और आता है रोडोस्पीरियम. कौन सा रोडोस्पीरियम. दीज आर द एडिशनल बैक्टीरिया. ठीक है. और दीज बैक्टीरियाज आर एनरोबिक. एनरोबिक में थ्री बैक्टीरिया बताए सी आर बी. सी फॉर क्लोस्ट्रीडियम. R for Rhodospirillum, B for Bacillus polymixa. कितने बताए आपको थ्री बताए. कौन कौन से एक aerobic बताए और दूसरे आपको कौन से बताए anaerobic. और ये वाले हमारे क्या है Bacillus. ये तीनों bacteria किस में आते हैं आपके anaerobic में. ठीक है. अब तो जो Azobacter bacteria है ये किस field के अंदर क्या करता है fertility को increase करता है. जैसे ये करेगा ज्वार में. एक तो क्या हो गया मेज. सॉरी एक तो इसमें एजिटोबैक्टर किस में करता है कॉटन में करता है. मेज में करता है. ज्वार में करता है.
और थर्ड इसका काम है राइस फील्ड के अंदर फर्टिलिटी को इंक्रीज करना। और आज के टाइम में ये एक ट्रेड नाम के नाम से फेमस है, ट्रेड नेम इसका एक क्या बन गया, ट्रेड बन गया। जो मार्केट में सेल होता है किसके नाम से, एजिटोपैक्ट्रिन। बैक्टीरिया हो गया आपका कि इसके अंदर आपको बताया कि जो बैक्टीरिया है। अब सेकंड आता है एजोस्पीरियम। जो एजोस्पीरियम बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, रूट्स के अराउंड सिर्फ सराउंड करता है, यानी उसके साथ ये क्या करता है, लूज एसोसिएशन बना लेता है। क्या बना लेता है, ये लूज एसोसिएशन बनाता है। कौन, एजोस्पीरियम। सेकंड बैक्टीरिया आर द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक में बैक्टीरिया में आपके एग्जांपल मोस्ट कॉमन में आता है राइजोबियम। एक बैक्टीरिया इसके अंदर और आता है जिसका नाम है फ्रेंकिया। दिस इज द एनसीआरटी, दीज आर द एडिशनल फ्रेंकिया। ठीक है, जो आपका क्या होता है फ्रेंकिया राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, ये बैक्टीरिया है किसके साथ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन लेग्यूम क्रॉप के साथ। और फ्रेंकिया किसके साथ करता है, नॉन लेग्यूम क्रॉप के साथ। ठीक है, एक और बैक्टीरिया इसमें आते हैं जेंथोमोनास और माइकोबैक्टीरियम। कौन से बताया आपको, दो जेंथोमोनास और आपको कौन से बताए, माइकोबैक्टीरियम बताए। ये क्या करते हैं, लीफ कैविटीज में मिलते हैं कुछ प्लांट्स की, ओफ्यू प्लांट्स। एक एग्जांपल करें तो इसमें कौन सा आता है, एड्रिशिया आ जाता है। एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, एड्रिशिया। एड्रिशिया प्लांट्स के अंदर दो बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से आपके, एक तो होते हैं जेंथोमोनास और एक आपको कौन सा बताया, कौन सा एक बार, आर्टिसिया। एक बार ARDISIA। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिसिया। ये फ्यू प्लांट्स है, ये सिम्बायोटिक है। लेग्यूमिनियस क्रॉप्स हैं, आपको पता है क्या पेपलेशियस फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये बैक्टीरिया फॉर्म्स नोड्यूल ऑन द रूट एंड फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, और ये बैक्टीरिया वैसे कैसा होता है, फ्री लिविंग नॉर्मल। जब ये कॉन्टैक्ट में आ जाता है विद लेग्यूमिनियस प्लांट तो इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स। इसके पास और नाइट्रोजन फिक्सेशन जब करता है, फिक्सेस द नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये करता है किस कंडीशन में, एनारोबिक। किस कंडीशन में फिक्सेशन करता है, ये एनारोबिक में। और एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करने के लिए इस पे पिंक कलर का पिगमेंट होता है, पिंक कलर पिगमेंट कॉल्ड लेग हीमोग्लोबिन। जो इसमें किसका काम करता है, ऑक्सीजन सिक्वेंजर का, एनारोबिक कंडीशन को क्रिएट करने के लिए ऑक्सीजन सिक्वेंजर। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारी स्पीशीज होती हैं किसकी, राइजोबियम की। एक सिंगल बैक्टीरिया तो राइजोबियम, ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया है तो आपके कौन से होते हैं, कौन से होते हैं इसके अंदर, राइजोबिया। अब इसके अंदर हम बात करें तो स्पीशीज राइजोबियम मोस्ट कॉमन लेग्यूमिनियस के नाम पे, जो आपका लेग्यूमिनियस के नाम पे इसको जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज देते हैं, लेग्यूमिनो सेरम।
अदर स्पीशीज और भी होती हैं जो इसमें क्या करती हैं, जैसे ल्यूपिनाई एटसेट्रा। और फ्रेंकिया क्या है, वो भी एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है और इसे हम क्या बोलते हैं, माइसीलियल बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है ये, माइसीलियल बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया को हम और भी एक नाम देते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज, क्योंकि जिसकी माइसीलियम जैसी स्ट्रक्चर होती है फंगस जैसी, और इस बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज। दीज आर द रोल्स ऑफ द बैक्टीरिया, टू टाइप्स, वन इज द फ्री लिविंग, सेकेंड इज द सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग इंक्लूड्स द एस्ट्रोबैक्टर और आपका क्या है, एजोस्पिरिलियम। ये तो आपके दोनों क्या है, नीट व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और सिम्बायोटिक में राइजोबियम, मेनली एनसीआरटी एंड अदर्स, एंड फ्रेंकिया, जेंथोमोनास एंड माइकोबैक्टीरियम। नाउ द साइनोबैक्टीरिया, देखो साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ साइनोबैक्टीरिया कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, दे आर द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इट मीन्स मेक देयर फूड, और ऑक्सीजन सबसे पहले रिलीज की वो भी किसने की, साइनोबैक्टीरिया ने। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन अबंडेंट इन इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, फाउंड इन इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। हैबिटेट ये क्या काम करते हैं, ये भी दो ही तरह के होते हैं, एक फ्री लिविंग और एक कौन से होते हैं, सिम्बायोटिक। दे हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, और दे ऐड द ऑर्गेनिक मैटर टू सोइल एंड increases the fertility of soil. These are the cyanobacteria. Cyanobacteria is also two type. One is the free living. Second is the symbiotic. According to NCERT, there are the two example of the cyanobacteria. One is the no-stalk, second is the oscillatoria. These are the NCERT example, also important from NEET view also. कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, फ्री लिविंग में। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इज द एनाबिना साइनोबैक्टीरिया। इन एडिशन टू दीज नोस्ट्रिक एंड ऑस्टिलेरिया, ये आपके क्या करते हैं, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, एडिशनल बता रही हूँ, एलोसीरा, सेकेंड इज द सिलेंड्रोस्पर्मम, एंड थर्ड इज द टोलीपोथ्रिक्स, देन द स्टिकोनिमा। ये फिर भी नीट के व्यू से इंपॉर्टेंट है दोनों। एलोसीरा का काम होता है क्या करना, राइस फील्ड में फर्टिलिटी बढ़ाना, राइस प्लांट में। ये करता है मेज में
और किस में शुगर केन में। दीज आर द फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक्स शो द एसोसिएशन विद द अजोला प्लांट। ये क्या काम करते हैं, अजोला प्लांट, और अजोला प्लांट की स्पीशीज कौन सी है, पिनेटा। ये क्वेश्चन नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ए टू है ये। और ये क्या है, फ्रेश वाटर फ्री फ्लोटिंग फर्न प्लांट है। इसके साथ ये क्या करता है, शो करता है। अजोला प्लांट क्या करता है, राइस फील्ड में फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। राइस फील्ड में स्टेगनेंट वाटर होता है, वहाँ पे ये अजोला क्या करता है, ग्रो करता है। चाइना का जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है चाइना, जो आपका क्या है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आपका क्या है चाइना, वहां पैडी फील्ड में किसको यूज किया जाता है, अजोला को, पैडी राइस। और ये क्या करते हैं, ये एक तो ग्रीन मैन्योर की फॉर्म में काम करता है, दूसरा ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन सा, एनाबिना। दीज आर द क्या है आपके साइनोबैक्टीरिया। कोई स्पेशल केस करें तो हमारा क्या है, साइनोबैक्टीरिया प्रोवाइड्स करता है कार्बन टू नॉन फोटोसिंथेटिक होस्ट, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया आपका क्या है फोटोसिंथेटिक हो, प्लांट नहीं है, तो उसको ये क्या करता है, कार्बन भी प्रोवाइड करता है। नाउ द बायो माइकोराइजा, दिस इज द माइकोविज फंगस, राइजा फॉर रूट्स। दीज आर द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। और ये एसोसिएशन इन दोनों की भी कैसी है, सिम्बायोटिक, इसमें दोनों को बेनिफिट होता है। फंगस पार्टनर का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देना, इट एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से, फ्रॉम सोइल एंड प्रोवाइड्स टू प्लांट। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, बदले में प्लांट से इसको क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है, फूड फ्रॉम फूड एंड शेल्टर। फूड एंड शेल्टर फ्रॉम प्लांट। और ये प्लांट्स आपके कौन से बताए, हाई प्लांट्स होते हैं जो माइकोराइजा को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब ये माइकोराइजा एक और आपका क्या है, बदले में ये क्या दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। इसके अलावा ये और क्या करते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं, किसको, प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू रूट बोर्न जो पैथोजेंस है, रूट बोर्न पैथोजेंस provide resistance to root borne pathogens, ताकि जिसकी वजह से रूट को जो पैथोजन अटैक करते हैं वो उनको अटैक नहीं करते और प्लांट के अंदर डिजीज नहीं होती। थर्ड, ये टॉलरेंस इंक्रीज करते हैं, कि टॉलरेंस टू सेलिनिटी एंड ड्रोट, यानी सूखापन है और जहाँ सेलाइन कंडीशन है वहाँ भी उस प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और उसके लिए ये क्या प्रोवाइड करते हैं, टॉलरेंस। ड्यू टू दिस क्या क्या बताया आपको, एक तो बताया एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड प्रोवाइड्स टू प्लांट्स, सेकंड बताया कि ये रेजिस्टेंस दे रहे हैं किससे, रूट बोन पैथोजन से,
और आपके क्या है, फिर बताया कि टॉलरेंस है किसके लिए, सेलिनिटी। सो दे इंक्रीजिज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। माइकोराइजा एक क्या है, अडेप्टेशन भी है ये, ये एक क्या है अडेप्टेशन, और ये अडेप्टेशन क्या है ओलिगोट्रॉफिक सोइल के लिए। ओलिगोट्रॉफिक सोइल वो होती है जिसमें न्यूट्रिएंट क्या होते हैं पुअर, ओलिगोट्रॉफिक सोइल में क्या होते हैं पुअर होते हैं क्या न्यूट्रिएंट होते हैं। ओलिगोट्रॉफिक सोइल वो होती है जिसके अंदर क्या होते हैं पुअर क्या प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और यानी कि उसमें भी ये ग्रो करते हैं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट वेयर द माइकोराइजास आर ग्रो। ये अडेप्टेशन है, यानी उन प्लांट्स के अंदर ये माइकोराइजा की फॉर्मेशन होती है जहाँ पे न्यूट्रिएंट की क्या है कमी। माइकोराइजा ऑफ टू टाइप्स, वन इज द एक्टोमाइकोराइजा, सेकेंड एंडोमाइकोराइजा। फॉर एग्जाम्पल ये आपको किस में मिलते हैं, पीच में, पाइन प्लांट्स हो गए, इसके अलावा ओक ट्री हो गए, जितने भी हमारे क्या होते हैं ओक प्लांट्स होते हैं, यूकलिप्टस सफेदे का पौधा। एंडोमाइकोराइजा आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं, एंडोमाइकोराइजा के जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो कौन कौन से हैं आपके, एक इसमें आती हैं ग्रासिस, एंडोमाइकोराइजा है वो क्या है, इसके अंदर मेनली कौन कौन सी आती हैं आपकी ग्रासिस, ऑर्चिड्स, ये भी इसी में एग्जाम्पल हैं इसके। फिर इसके अलावा आते हैं आपके क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। इसमें जो फंगस बिलोंग करता है किसमें, माइकोराइजा में, तो वो एक जीनस है बहुत बड़ा, और ये जीनस आपका कौन सा है, ग्लोमस। दिस इज आल्सो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फंगस जिससे बिलोंग करता है वो कौन सा है आपका, ग्लोमस। जो एक्टोमाइकोराइजा है, एक्टोमाइकोराइजा क्या करता है, नाम है एक्टो, तो एक्टोमाइकोराइजा का काम है, जैसे ये एक प्लांट है, ये प्लांट्स की क्या है रूट्स हैं, और इस रूट्स के अंदर बाहर की तरफ जो ये अपीरेंस दे रहे हैं ये कौन है, एक्टो। बट कुछ फंगस क्या कर रही है आपकी, एंटर कर जाती है अंदर, तो वो कौन से हैं, एंडोमाइको, ठीक है। यानी कि एक्टो में फंगस फॉर्म, मेंटल ऑन द सरफेस ऑफ रूट, ठीक है, इसने सरफेस ऑफ रूट पे क्या कर दिया, मेंटल बना दिया, ठीक है। विच सेक्रेट शुगर, शुगर इंटू इंटरसेल्यूलर स्पेस फॉर फंगस, ठीक है। इसमें क्या करती है, शुगर रिलीज होती है, और ये शुगर जो रिलीज करता है वो कौन करती है, रूट। ये रूट है, ये रूट क्या करेगी, इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर क्या रिलीज कर देगी, शुगर, ठीक है, एक्टोमाइको। और ये शुगर को एब्जॉर्ब कर लेती है कौन, फंगस, और उसे क्या मिल जाता है, फूड। फिर फंगस इसमें मेनली किससे बिलोंग करती है, बेसिडियोमाइसिटी से, ये भी इंपॉर्टेंट है नीट व्यू से, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटी से एक क्या है, ग्रुप है, डिवीजन है किसका, फंगस का। इसके अलावा बेसिडियोमाइसिटी यदि होस्ट स्पेसिफिक है, यानी क्या है, फंगस जो मिल रही है एक स्पेसिफिक पे, तो ये किससे बिलोंग करती है, एस्कोमाइसिटी से। दिस इज द एक्टोमाइकोराइजा। बट इन केस ऑफ एंडोमाइकोराइजा
इन केस ऑफ एंडो, एंडो इज आल्सो कॉल्ड VAM, इसे क्या बोलते हैं, वेसिक्यूलर आर्बेस्क्यूलर माइकोराइजा। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू कि जो आपका वैम जिसे हम बोलते हैं, वैम आपका होता क्या है, वेसिक्यूलर होता है और ये आपका कैसा होता है, आर्बेस्क्यूल्स होता है। और ये क्यों इसको ऐसा हम बोलते हैं, इसमें एंडो में फंगस माइसिलियम एंटर इनटू कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट, सेल्स ऑफ रूट, बट रूट नॉट रिलीज शुगर, शुगर एक्टो में तो वो शुगर रिलीज करती है, जैसे ये रूट है, ये रूट के अंदर जो ये सेल्स पड़ी हैं, ये सेल्स कौन सी हैं, कॉर्टिकल सेल्स, और इस कॉर्टिकल सेल्स में जो ये एंटर कर रहा है ये कौन है, माइसिलियम ऑफ फंगस, ठीक है। तो ये कॉर्टिकल सेल के अंदर एंटर करता है, तो ये कैसे एंटर करता है कॉर्टिकल सेल्स में, इनटू कॉर्टिकल सेल एज स्वोलन टिप, एज ए स्वोलन वेसिकल, हो गया, एंड सो इट इज कॉल्ड वेसिक्यूलर, ठीक है। या तो ये क्या कर रहा है, आपका स्वोलन टिप बना रहा है, ये इसके अंदर जा रहा है तो ये अपनी टिप को ये क्या कर लेगा, स्वेल्व अप कर लेता है, ये स्वेल्व अप कर ली तो ये क्या बन गई, वेसिकल बन गई इसके अंदर। या ये क्या काम करता है, इसके अंदर ये अपना मासिस बनाता है, क्या बनाता है, ब्रांस्ट मासिस, ठीक है। और ये जो ब्रांस्ट फाइन मासिस बनाता है इसे हम क्या बोलते हैं, आर्बेस्क्यूल, सो इट इज कॉल्ड द आर्बेस्क्यूलर माइकोराइजा। और फंगस इसमें किससे बिलोंग करता है, ग्लोमस से, और ग्लोमस किसका एग्जांपल है, जाइगोमाइसिटीज का, दीज आर कल्चर इस मीन्स जाइगोमाइसिटीज। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, इन यूवर ग्रुप ग्लोमस इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन द एंडोमाइकोराइजा, दिस इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट द रोल ऑफ द माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर एंड द सोर्स ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स आर द बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड द माइकोराइजा।